ब्राजील में फुटबॉल अखाड़े का मैदान बन गया। रेफरी ने खिलाड़ी को फाउल पर रोक कर येलो कार्ड दिखाया तो इसके बाद वो आपे से बाहर हो गया। रेफरी पर टूट पड़ा और सर पर राते मार मार कर रेफरी को लहू लुहान कर दिया। वाकया ब्राजील के वेंसो आयरस में पेश आया, जहां दो मकामी क्लब के दरमियान मुकाबला जारी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी विलियम रुबेरो को हवालात की सैद करा दी गई है। पुलिस इस सारे वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि बताया जाता है रेफरी पूरी तरह जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया है।